इस अनमोल देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाने की कीमत महत्व तरह तरह से समझाने वाले दुखहर्ता त्रिकालदर्शी तीन दिवस परम दयालु उज्जैन वाले बाबा मकान जी महाराज ने तीन दिवसीय नजरी इनायत गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में 10 जुलाई सायकालीन बेला में यह जयपुर में दिए गए अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यू कैंप पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि संत जब अपने जीवों को दुखी परेशान देखते हैं तो जगह जगह सत्संग कर बताते समझाते हैं, जीवन खाने पीने के लिए नहीं विशेष काम के लिए मिला है। इस शरीर से जो करते हैं वो जुए की तरह है, जैसे विद्यार्थी ने मेहनत किया समय दिया फेल यानी हारे, पास यानी दांव जीते, फसल अच्छी हुई तो दांव जीत गए, खराब हुई तो हारे। बहुत संघर्ष के बाद अब की बार दांव लगा है, मनुष्य शरीर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अब की बार अगर हार जाओगे तो जल्दी जीत होने वाली नहीं है। यह संतों की भूमि है और संत अपने जीवों को जब दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं और जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला उस काम को नहीं कर पाते हैं, तब वो घूम घूम करके जगह जगह पर जीवों को समझाते हैं, तरह तरह का उदाहरण देकर समझाते हैं। देखो संतों ने यह बताया, ये जो जीवन आपको मिला है ये जीवन खाली जीने के लिए ही नहीं मिला है, यह शरीर जो आपको मिला है इसी काम के लिए नहीं मिला है कि आप खाने में पीने में इसको लगाए रखो, इस शरीर के सुख के लिए दुनिया का साजो सामान इकट्ठा करने में लगे रहो, इसीलिए नहीं मिला है, और काम के लिए मिला है, विशेष काम के लिए मिला है। उस चीज को बराबर सत्संग दे दे करके जगह जगह पर प्रेमियों के बीच में जा करके हमारे गुरु महाराज जैसे संत समझाते रहे कि देखो ये जो जिंदगी है और ये जो दुनिया है, एक दुनिया की चीजों को पाने के लिए जीवन में जो हम जीते हैं, इस शरीर से जो करते हैं वो एक तरह से जुआ की तरह से है। जुआ किसको कहते हैं? जिसमें आदमी दांव लगा देता है, कभी हारता है कभी जीतता है। जैसे आप समझो कि दांव आप लगाते हो, कैसे दांव लगाते हो? खेती में बुआई करके आप भर्ती लगा करके पूंजी लगा करके और ये उम्मीद करते हो कि इसकी फसल अच्छी होगी, अच्छी आमदनी होगी, लेकिन दैवी आपदा आ जाती है, बुआई ठीक से नहीं कर पाते हो, अन्न नहीं पैदा होता है। कभी कभी जो लागत लगती है वो भी नहीं निकलती है, तो उस समय पर क्या हुआ? हार गए। और जब फसल बहुत अच्छी हो गई, अच्छे भाव में बिक गई, आमदनी हो जाती है, तब कहते हम जीत गए, जो काम हमने किया उसमें हमको कामयाबी मिल गई। देखो दुकान लोग खोलते हैं, नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो क्या हुआ कि जिंदगी यानी समझो कि जो पूंजी लगाया मेहनत किया वो बेकार चला गया, कभी मुनाफा ज्यादा हो जाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, तो उनका समय बेकार जाता है, एक तरह से वो समय जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया वो एक तरह से हार गए, और अगर पास हो गए तो समझो कि जीत गए। तो ये जो इस शरीर से हार जीत आप करते हो, आप ये समझो ये भी एक तरह से जुआ ही जैसा है। अब आप ये समझो कि
ये अलग है, और जो जीवन का क्षण आपको जीने के लिए मिला, इससे अपना काम जो नहीं कर पाते हो, जिस काम के लिए शरीर मिला, इस शरीर के रहते रहते समर्थ गुरु की तलाश कर लो, रास्ता ले लो, और उस रास्ते पर चल करके इस अनिसंयोगी जीवात्मा को अपने मालिक के पास, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो इस माया के, माया से परे है, माया के लोक में जन्म नहीं लेता है, जो अकाल एक तरह से है, काल के घेरे में नहीं आता है, उसके पास पहुंचा दो। और अगर ये काम नहीं हो पाया तो समझ लो कि ये जो जीवन का क्षण है, इसमें आप हारते चले जा रहे हो। दांव तो लग गया, कब दांव लगा? बहुत संघर्ष के बाद दांव लगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कई साल फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं कि जो आप समझो कि व्यापार में नुकसान ही उठाते हैं, लेकिन फायदा हो जाता है। नौकरी के लिए कोशिश करते रहते हैं बच्चे, कंपटीशन में बैठते रहते हैं, लेकिन कभी आ गए तो समझो कि दांव लग गया। ऐसे ही पिछले जन्मों में अनुसमझो कि हारते ही रहे, आपकी बार जीते हो, आपको ये अनुसमझो मनुष्य शरीर मिला है, और जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। तो जीत तो गए, लेकिन आपकी बाजी अगर हार जाओगे तो फिर आप ये समझो जल्दी जीत आपकी होने वाली नहीं है। अवसर का कहते हैं लाभ उठाना चाहिए। तो ये थी कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।